अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों के बाद आज मैं यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ। वो भी मैंने नहीं बनानी थी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको शेयर करूँ कि किस तरह से वो माएँ हैं दो बच्चों की, वो मैनेज करती हैं अगर उनके पास हेल्पर नहीं होती है। तो जी, आजकल मेरे पास हेल्पर नहीं है, गई हुई है कहीं पर, भाग गई है, और बस पता कर रही हूँ कोई मिलती है कोई नहीं आती, क्या सीन है क्या नहीं है। तो एक दो दिन से मेरा यही हाल है, किस तरह से मेरे दिन और रात गुजर है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो 9 बज के मैंने बिल्कुल नहीं उठना था, लेकिन आपको वाजें आ रही होंगी मेरा जो बच्चा है ना वो उठ गया। तो वो उठता तो जाहिर है कि फिर माँ को भी उठना पड़ता है। तो बाकी दो बच्चे मेरे सोए हैं, मैं राया है एंड मनीप सोए हैं, मैं उठ गई हूँ। तो चले अब उसको पकड़ते हैं, उसको देखते हैं। उठ जाता है और फिर ये कहता है कि बस मेरे साथ खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। दो घंटे तक ही उठा रहता है, 9 से 11-12 बजे तक इसका फिर टाइम होता है कि बस जी अब मेरे साथ खेलो। पैम्पर वगैरह चेंज करती हूँ मैं, इसका कपड़े शपड़े चेंज कर लेती हूँ, लेकिन आज नहीं मैंने किए, बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास। और इसी दौरान जो है वो राया भी उठ जाती है, ये उठता है तो 10-10:30 बजे तक फिर राया भी उठती है। ये देखें जी राया के नए काम, उठते साथ राया ने सोफे के नीचे चले जाना होता है। राया आप ऐसे क्यों करती हो बेटे, क्यों 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 राहू राहू। तो राया उठते साथ जी बेबी 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 बेबी, खुद भी चुटू एक बेबी है छोटा सा। अच्छा जी, तो एक अच्छी चीज मैं आपको दिखाते हैं, ये है कि आजकल जब भी मैं रूम में एंटर होती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि राहा ये कह रही होती है। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जी बच्चों के लिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि जब भी मैं राया को कहती थी पारा पढ़ो, राहा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन आजकल खुद ही दुपट्टा लेकर और इसको लेके बैठ जाती है। देखिये जैसे इसके है, दिखाओ ये देखें जी, ठीक है। तो बच्चे खुद इंटरेस्ट लेके जो है वो पढ़ रहे हैं, ऊपर रखते हैं और नीचे कोई पिलो रखते हैं, ठीक है, पाँव के साथ नहीं इसको लगाते, ओके पिलो 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 तो जी 10 बजे दूध वाला भी आ जाता है, दूध हो चुका है बॉयल, और यहाँ पे मैंने रख दिया अपने लिए अंडे जो कि बॉयल हो रहे हैं। और अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जो मैं रेयान के लिए बनाती हूँ, सूजी का हलवा टाइप, तो चलिए वो बनाते हैं। इस तरह के टॉयज़ भी हेल्प करते हैं ताकि थोड़ा ही देर जो बच्चा वो आराम से बैठ जाए, वरना चीं चूँ करता रहता है कि पकड़। तो जी मैं तो यहाँ पे छोटी सी रोटी बना रही हूँ राहा की, और ये देखिए जी जो राहा है वो अपने छोटे से भाई को किस तरह से संभाल रही है। बार अच्छा जी, तो मैं बनाती कुछ इस तरह से हूँ कि मैं सूजी जैसे डाल दिए इसमें, बास लोग देसी घी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं भूनने के लिए सूजी को देसी घी का इस्तेमाल नहीं करती। मैंने सिर्फ सूजी डाली है, अब ये थोड़ी सी गोल्डन होगी तो पानी डाल दूँगी, ग्राइंड करूँगी, थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी चीनी डाल के, तो ये जो मेरा हलवा है ये तैयार हो जाएगा, जो कि मेरे आन को खिलाऊँगी। यहाँ पर राया का पराठा है वो भी बन गया। तो साथ ही ये मेरा नाश्ता है जिसमें 2 बॉयल्ड एग्स हैं, फिर ये कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ साथ में रायहा का नाश्ता, और अब मैं इसको खिलाती हूँ। तो जी नाश्ते नुश्ते करने के बाद ये जो एक अंबार लग जाता है ना बर्तनों का, ये भी धोना होता है, और ये किसने धोना है, आपकी बहन ने। चले धोते बर्तन, धुल गए, और साथ ही मैंने सोचा क्यों ना किचन की सफाई कर ली जाए, तो वो भी हो गई। ऑलमोस्ट सारे कामों से मैं फारिग हो गई हूँ, दोनों बच्चों को नाश्ता करवा दिया, खुद भी कर लिया है, बच्चा मेरा दोबारा सो भी गया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मुनीब क्या कर रहे हैं। देखें जरा, ये देखें जी दुनिया से बेहोश बेखबर आराम से सोए हुए हैं मुनीब जी, और वीडियो एडिट कर रहे थे करते करते आराम से सो गए। एंड प्लीज़ इग्नोर द मेस यार, ये मुनीब एक दिन में एक रात का काम होता है मुनीब का, और ये तो मैं बाद में सफाई करूँगी, अभी सोए हुए हैं, हम आराम से इस रूम से निकल जाते हैं चुप करके। ये क्या हो रहा है वाह भाई, मैं नीचे बर्तन धो रही थी भाई, और मैंने कहा वाह मेरे बच्चे बड़े चुपके के बैठे हुए हैं, और ये बैठे हुए हैं, देखें जी ये हाल है वाकई सीरियसली राया मैंने उसको कभी भी नहीं दिखाया, और आप उसको लैपटॉप दिखा रही हो, वाह बंद करो इसको
और वो भी देखो कितना है यार, चलाक आराम से बैठा देख रहा है। ये छोटे छोटे नैनो मानो को इतना पता होता है कि हमने ये चीजें देखनी होती हैं। कमाल है भाई। लेकिन देखिए एक चीज़ है कि जो बहनें होती हैं ना वो बहुत साथ देती हैं भाई, और मैंने देख लिया है कि जो बेटियां ना वो माओं की बहुत 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 जो है वो हेल्प करती हैं, और मुझे नज़र आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। रायहा आई लव यू। 3 hours later। तो जी मुनीब फाइनली आप उठ गए। और मुनीब जब उठते हैं ना तो क्या क्या काम होते हैं वो मैंने आपको आज सारे दिखाने हैं। आज आपको पता है मैंने व्लॉग बनाया। मुनीब ये ना आप पकड़ो और अब हम बातें करते हैं। ये जो नहीं नहीं आप अपने ऊपर भी लेके आओ यार, मेरे हस्बैंड का एंगल नहीं सही आ रहा मेरा। ये वाली साइड आ रही है। नहीं वो एंगल ही सही आ रहा ना। आप ठीक है? अच्छा तो जी जो मियां जो है वो कहते हैं ना कि तुमने पूरा दिन किया क्या है, आज मैंने दिखाना है कि आखिर पूरा दिन किया क्या है। मुनीब 3 बज गए और 3 बजे मुनीब उठे हैं, और 3 बजे तक क्या क्या हो जाता है? 2:30 बजे ढाई तीन वही होता है। अच्छा 3 बजे तक क्या क्या हो जाता है ये भी मैंने आपको बताना है। और 3 बजे तक तो मुल्कों के फैसले हो जाते हैं, अदालतें खुल जाती हैं, पाकिस्तान में वो तो खुलती हैं, लेकिन सुबह के टाइम पता नहीं क्या क्या हो जाता है, आपको पता ही नहीं है। फिर मुनीब यार वो मैं ना कहना था कि बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं। मेरी लास्ट टर्की वाले व्लॉग पे ना मैंने कहा था कि मैं कमेंट्स पे रिप्लाई वीडियो बनाऊंगा, तो आज वो भी बनानी है हमने। उधर चली को पूछता हूँ अगर आगे तो तीनों बैठ के बनाते हैं। ये देखो ये बंदा देखो, आपने मैंने वादा किया हुआ आपसे मैं बनाऊंगा यार। नहीं नहीं ये बंदा देखो सो गठा आज हम ये करेंगे, ये नहीं पता मैं सुबह से कर क्या रही हूँ भाई, मैं भी थक जाती हूँ। और जा जा नाश्ता करें। हाँ चलो। क्या खाना पसंद करेंगे आप? क्या खाना पसंद करेंगे आप? ये देखो मुनीब का मैच से ज्यादा ध्यान मोबाइल पे होता है यार। वो मैच देख रहा हूँ, इंडिया ने बहुत अच्छा स्कोर मारा है, 168 किया है इंडिया ने। बस ये करना था तो आ जाओ फिर फाइनल खेलते हैं। आए पहले नाश्ता करते हैं। ससुर जी को तो मैंने खाना दे दिया था, सासू माँ मेरी ज़रा गई हुई हैं सैरिंग करने के लिए, और ये साग को सिर्फ तड़का लगाया मैंने, फ्रीज हुआ हुआ था साग, बना हुआ था, अब तो मेरे लिए आसानी हो गई वरना फिर खाना मुझे बनाना पड़ना था। क्या दिखाऊं? मैजिक अवार्ड। अच्छा अवार्ड ये देखिए। तो कैसा लगा आपको खाना? ये क्या किया है? ये क्या किया है? ये किसने उठाना है? मैं और तुम्हारे कजन की तरह करता हूँ। क्या अच्छा मेरा एक मामू का बेटा है वो साथ खाई जाएगा, साथ के गए की है की है ना। दो तीन पराठे खाने में खाने के बाद भी टेस्ट ही पता चलता है। अच्छा रायहा ये आपकी अम्मी ने सफाई करनी है। अब जो है कपड़े की सफाई करने के बाद मैं बैठ गई हूँ जी अपने कपड़े लेके जो कि मैंने ऑर्डर किए थे हफ्सा कलेक्शन से। आपको पता है कि वहाँ से यूजली मैं घर पे बैठे हुए जब मैंने मंगवाने होते हैं या जब मुझे कपड़े चाहिए होते हैं तो फिर मैं हफ्सा कलेक्शन से, ये उनकी विंटर कलेक्शन आई है तो वहाँ से मैंने कपड़े मंगवाए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा स्टफ़, हाईली रिकमेंडेड। सबसे पहला ये सूट देखें, कढ़ाई है जी, एम्ब्रॉयडरी है नेक पर इसकी, ये शलवार पीस है, और जो इसकी शॉल है वो कमाल की शॉल है। अच्छा डिज़ाइनिंग तो आप देख ही लेते हैं लेकिन इसके अलावा जो फैब्रिक क्वालिटी होती है वो आपको पिक्चर्स में समझ नहीं आती है, तो ऑब्वियसली जब आप मंगवाते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि हाँ ये जो है चीज़ ये घर बैठे हुए हमें सस्ते पैसों में और अच्छी चीज़ जो है वो हमें मिल रही है। जैसे डिज़ाइन है रिटेल प्राइस इनकी 3500 रुपये है, वैसे 2600 में आपको मिलेगा सूट, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत नफीस सूट है। इसी तरह से एक और ड्रेस से ये ब्लैक कलर का, अच्छा ये पिक्चर में इतना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन वैसे अच्छा लग रहा था तभी तो मैंने मंगवाया था, लेकिन जब रियल में मैंने इसको देखा तो यार कमाल, अमेजिंग ड्रेस क्वालिटी, और जो इसका डिज़ाइन था ना, मतलब इसका जो फ्रंट का डिज़ाइन था मुझे इतना अच्छा लगा, और इसकी शलवार पीस और इसके कलर्स इतने मज़े के थे कि ये तो मैं जल्दी से अपना स्टिच करवाने लगी हूँ। डेफिनेटली इंस्टा पे मैं इसके रिव्यूज़, इसकी पिक्चर्स जो है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी।
और इसी तरह से तीसरा ड्रेस भी था ब्लू कलर में और इस ये भी एक शॉल के साथ था 3500 का और 2600 होल सेल जो प्राइस वो आपको 2600 रुपये में ये सूट आपको ईजीली जो है वो मिल जाएगा। ये देखें जी इसकी शॉल, तो देखें कितने सस्ते और अच्छे। अच्छा ये जो है वो खद्दर पे था और 1850 रुपये इसकी प्राइस थी और 3 पीस थी सूट और आपको ये भी मिल जाएगा सिर्फ 1500 रुपये में बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ। अच्छा अगर आप इनकी अफजा कलेक्शन का जो लिंक है वो मैं बायो में दे दूंगी और इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है तो बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं जी इनके पास, तो सस्ते कपड़े आपको मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के साथ आपको कपड़े मिलते हैं, ना सिर्फ बड़ों के मिलते हैं बल्कि बच्चियों के भी, मतलब जैसे रायहा के लिए मैंने मंगवाए थे तो ये जैसे कॉटन स्टफ़ में एक ये डिज़ाइन है जो 2 पीस मैंने मंगवाया था बहुत बहुत अच्छे फैब्रिक के साथ, एक ये डिज़ाइन मैंने मंगवाया था और जी एक ये मंगवाया था और ये 2 पीस है ठीक है, मतलब 2 मीटर शर्ट है और 2 मीटर ही इसका ट्राउज़र है और इसी तरह से ये भी ट्राउज़र शर्ट है ये कॉटन स्टफ में और इजीली विंटर्स के लिए बच्चियों के अगर आपने बनवाने हो। अच्छा मेरी बच्ची तो अभी 4-5 साल की है, ये 10-12-15 साल तक भी बच्चियों की इजीली बन सकते हैं क्योंकि 2-2 मीटर इन्होंने फैब्रिक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच जी हफ्ज़ा कलेक्शन, ये इनका व्हाट्सअप नंबर भी है और इनका लिंक तो मैं दे रही हूं। मेरा आज का व्लॉग होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह से मुझे प्यार करते रहें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो व्लॉग्स हैं वो बनाती रहूँ। अच्छा बंदा काम से नहीं थकता है, जब आप सोच लेते हैं ना कि ये काम आपने करना है तो फिर जी हो जाते हैं। अब देखें हमने अभी वीडियोस भी बनानी है वो भी बनाएंगे और भी 2-3 काम है वो भी करेंगे। अब वीडियोस के लिए जो मुंह है ना वो भी मैं धो लेती हूँ, देखिए सुबह का मैंने मुंह भी नहीं धोया हुआ नमाज़ पढ़ते हैं ना तो फिर मुंह भी धुल जाते हैं आप, जब आप नमाज़ ही नहीं पढ़ रहे होते हैं ना, और मैं नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेती हूँ लेकिन आज जो है ना पढ़ने की एक बड़ी वजह ये देखें ये नेल पॉलिश का लगना, कल परसों की मैंने लगाई हुई है, जैसे ही मैं सोचती हूँ ना कि अच्छा मैं नमाज़ पढ़ूँगी तो वज़ू करते हुए मुझे ये नज़र आ जाती है। तो सबसे पहले तो इसको हटाते हैं ठीक है, ये रुकावट को मुसलमान बनते हैं भाई, और उसके बाद जो है वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस बनाने के बाद मैं देखूँगी कि खाने का क्या करना है, अगर तो हिम्मत हुई तो खाना बना लूँगी, अगर ना हिम्मत हुई तो फिर बाहर से कुछ मंगवा लेंगे या बाहर चले जाएँगे। तो जी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी भाई, हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसे कुछ नहीं हो जाता होता। और जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं प्लीज़ मत किया करो यार, दिल बुरा होता है, बुरा लगता है भाई जब आप लोग कुछ कह रहे होते हैं। तो जी इसी तरह से प्यार मोहब्बत करते रहें, अल्लाह हाफ़िज़।